कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुबैद है। मैं एक और नई वीडियो के साथ, वीडियो काफी कमाल की होने लगी है। बिल्कुल यार, यार आज तो वीडियो का यार मुकाबला करने का मजा आएगा। बिल्कुल यार, क्योंकि यार आज हम जानेंगे भाई, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है 10 मोस्ट सेलिंग बाइक्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसमें आज हम जानेंगे भाई कि कौन सा बाइक इंडिया में और कौन सा बाइक पाकिस्तान में जो ज्यादा सेल होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाई को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इसमें आज कंपैरिजन करने लगे हैं ना, इंडिया तो ऊपर ही होगा लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सी बाइक्स इन दिनों पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोटर बाइक वाली कंट्रीज में पाकिस्तान नंबर 5 पर है और इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक्स यूज करने वाली कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 1 पर है। पाकिस्तान में 35% कार्स यूज होती हैं और वहीं पर 65% बाइक्स होती हैं। इंडिया में 20% कार्स यूज की जाती हैं और 80% बाइक्स यूज की जाती हैं। तो इस कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में नंबर 1 पे जो बाइक है वो है CG125। इस बाइक में 125cc का इंजन है और ये बाइक 9 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 1,24,500 पाकिस्तानी रुपीस है और 2020 में अब तक इस बाइक के 1,15,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। तो इंडिया में नंबर 1 पे जो मोस्ट सेलिंग बाइक है वो है होंडा एक्टिवा 6G। इस बाइक का 109cc का इंजन है और ये बाइक 7 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 65,000 और 2020 के फर्स्ट मंथ से अब तक इस बाइक के 4 लाख यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। नंबर टू, पाकिस्तान में नंबर 2 पे होंडा CD70 है। इस बाइक का इंजन 72cc का है और ये बाइक 5 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 75,500 पाकिस्तानी रुपीस है और 2020 के शुरू से लेकर अब तक इस बाइक के 99,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर 2 पे हीरो स्प्लेंडर प्लस है। इस बाइक का 97cc का इंजन है और ये बाइक 9 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 52,800 है और 2020 के शुरू से लेकर अब तक इस बाइक के 3,80,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर 3, पाकिस्तान में नंबर 3 पे यूनाइटेड US 70 है। पाकिस्तान में इस बाइक का इंजन 70cc का है और ये बाइक 6 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 46,000 अब तो इसके ऊपर चली गई है ना, और अब तक इस बाइक के 97,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। और इंडिया में नंबर 3 पे है हीरो HF डीलक्स। ये बाइक 97cc की है और ये बाइक 8.5 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 38,900 रुपीस है और 2020 में अब 38,900 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर 4, पाकिस्तान में नंबर 4 पे होंडा प्राइडर है। इस बाइक का इंजन 97cc का है और ये बाइक 7 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 1,500,000 पाकिस्तानी रुपीस है। अभी देखनी है कि ये बाइक के 88,500 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर 4 पे होंडा शाइन है। इस बाइक का इंजन 125cc चुके हैं। नंबर 5, पाकिस्तान में नंबर 5 पे यामाहा YBR 125 है। इस बाइक का इंजन 124cc का है। ये बाइक 10 हॉर्स पावर है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 1,46,000 पाकिस्तानी रुपीस है और अब तक इस बाइक के 69,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर 5 पे जो बाइक है वो है बजाज पल्सर। इस बाइक का इंजन 100 है और ये बाइक 15 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 19,000 और अब तक इस बाइक के 2,65,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर 6, पाकिस्तान में नंबर 6 पे होंडा CD73 है।
इस बाइक का इंजन 72 cc का है। ये बाइक 5 हॉर्स पावर की है और इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 80,500 पाकिस्तानी रुपीस है और 2020 में अब तक इस बाइक के 16,500 सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर 6 पे जो बाइक है वो है हीरो ग्लैमर। इस बाइक का इंजन 124 cc का है। ये बाइक 9 हॉर्स पावर की है और इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 63,000 रुपीस है और अब तक इस बाइक के 2,40,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर 7 पाकिस्तान में नंबर 7 पे यामाहा YB125Z है। इस बाइक का इंजन 125 सीसी का है और ये बाइक 9 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 1,46,000 पाकिस्तानी रुपीस है और अब तक इस बाइक के 75,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। अभी देखते हैं इंडिया में नंबर 7 पे जो बाइक है वो है बजाज प्लेटिना। इस बाइक का इंजन 102 सीसी का है। ये बाइक 8 हॉर्स पावर की है और इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 57,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर 8 पाकिस्तान में नंबर 8 पे होंडा CB125F है। इस बाइक का इंजन 124 सीसी का है और ये बाइक 9 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 1,75,500 पाकिस्तानी रुपीस है और इंडिया में नंबर 8 पे जो बाइक है वो है हीरो पैशन प्रो i3S। इस बाइक का इंजन 109 सीसी का है और ये बाइक 8 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 3,000 इंडियन रुपीस है। नंबर 9 प्राइस में पाकिस्तान में नंबर 9 पे होंडा CB150F है। इस बाइक का इंजन 150 सीसी का है और ये बाइक 11 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 2,19,500 पाकिस्तानी रुपीस है और इंडिया में नंबर 9 पे जो बाइक है वो है बजाज CT100। इस बाइक का इंजन 102 सीसी का है और ये बाइक 8 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 43,000 इंडियन रुपीस है। नंबर 10 पाकिस्तान में नंबर 10 पे होंडा डिलक्स है। इस बाइक का इंजन 125 सीसी का है और ये बाइक 9 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 1,29,500 पाकिस्तानी रुपीस है और इंडिया में नंबर 10 पे जो बाइक है वो है अपाचे RDR1A। इस बाइक का इंजन 177 सीसी का है भाई और ये बाइक 16 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 95,000 रुपीस है। कितना फर्क आ रहा है। 11 पाकिस्तान में नंबर 11 पे यामाहा YB100 है। इस बाइक का इंजन 100 सीसी है और ये बाइक 12 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 60,000 पाकिस्तानी रुपीस है। इस बाइक के बारे में एक फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में इस बाइक को ज्यादातर मिल्क मैन यूज करते हैं, यानी वो लोग जो घरों में मिल्क सप्लाई करते हैं। और नंबर 11 पे इंडिया में जो बाइक है वो है रॉयल इंफील्ड। तो भाई दिल का टुकड़ा है भाई। बाइक का इंजन 346 सीसी का है। ये बाइक 23 हॉर्स पावर की है। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 1,50,000 के मोस्ट सेलिंग यार। इंडिया के बाइक भी इतने प्यारे हैं और यार प्राइस भी इतनी कम है कि हम हैरान हो गए हैं यार। वैसे इंडिया में महंगे होनी चाहिए उस दर सस्ते हैं और पाकिस्तान में सस्ते होनी चाहिए दर महंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है, वो ले सकते हैं, ले सकते हैं और ज्यादा आबादी हो और इधर यूज भी ज्यादा होते हैं। यूज भी ज्यादा होते हैं, देखा जाए ना इधर यूज ज्यादा होते हैं। हाँ, पाकिस्तान में जो है ना कम कम होते हैं और इधर प्राइस इतनी ज्यादा है। प्राइस इतनी ज्यादा है कि क्या। इधर एक बात आपको बोले, जो भी चीज यहाँ चलती है ना ज्यादा चलने लग पड़ती है, इतनी महंगी हो जाती है ना कोई उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता। और भाई जो इंडिया की खासियत है ना, इंडिया की खासियत, वहाँ जो चीज ज्यादा चलती है ना वो सस्ती होती है। सस्ती होती है बिल्कुल यार। और इस चीज में हमने कोई कंपनी वाला ज्यादा कुछ करे तो उसको बैन कर देते, खत्म कर देते हैं। और दूसरा ये कि यार इंडिया में बहुत कमाल कमाल बहुत कमाल कमाल के भाई डिजाइनिंग में। और यार एंड में जो रॉयल था, रॉयल 345 सीसी का भाई, का
कितनी और प्राइस भी 1,50,000 रुपीज 150 की तो हमारी हाँ। जो है ना वो 1-5 आ रही है भाई। और जो है ना अभी जो आप कीमतें चेक करें तो आप हैरान हो जाएंगे। ये हमारे सामने पुरानी वीडियो आई है इसलिए हो रहा क्या है पाकिस्तान में। ये तो हमें एक बंदे ने कहा है कि यार इस करो ताकि हमें पता चले। हाँ तब ये किया। अब न्यू वीडियो अगर आप चाहते हैं अगर उस पे रिएक्ट करें उस पे रिएक्ट हम कर लेंगे। हैरान हो जाऊंगी कि आप कीमतें चेक करें कितनी आसमानों तक पहुंची है पाकिस्तान। बिल्कुल अभी हम हैरान हो रहे हैं ना कि इंडिया में इतनी सस्ती है इस तरह काट लेते हैं। आप इस तरह करेंगे और ये कितनी महंगी है। वो तकरीबन 3-3 लाख तक पहुंची है। सही बात है इंडिया में 3-3 लाख तक मिल जाती है अच्छी बाइक जाती है। हमें तो ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इंडिया की बाइक बहुत ही हमें अच्छी लगी और इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। तो यार अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।